बिहार में भाजपा का अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। 2005 से अब तक वो जदयू के बैसाखी के सहारे बिहार में टिकी रही और जदयू और आरजेडी एक साथ आकर के गठबंधन की सरकार बनी, तब से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिहार में भाजपा का अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। 2005 से अब तक वो जदयू के बैसाखी के सहारे बिहार में टिकी रही। अब जब ये सहारा भी उनसे, ये बैसाखी भी भाजपा से छिन गया और जदयू और आरजेडी एक साथ आकर के गठबंधन की सरकार बनी, तब से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है। सकारात्मक बातें तो इन्हें करनी नहीं है, सकारात्मक पॉलिटिक्स तो इन्हें करना नहीं है। हकीकत तो यह है कि बिहार भाजपा में एक भी चेहरा इनके पास ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुकाबला तक कर सके। कोई ऐसा चेहरा इनके पास नहीं है। शायद यही वजह है कि आए दिन इन्हें केंद्र से नेताओं को बुलाना पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार में 10 महीनों में यह छठा दौरा है और इसी दौरे के क्रम में कल जब मधुबनी में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इन्होंने ये कहा रैली को संबोधित करते हुए कि जदयू और आरजेडी का मेल नहीं है, क्योंकि तेल और पानी का कोई मेल नहीं होता है। तो उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि दो पार्टियां अपने विचारधारा की वजह से एक दूसरे से मिलती हैं, और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का सवाल है, वो समान विचारधारा, सामाजिक विचारधारा जनता दल से ही दोनों पार्टियां निकली हैं, तो फिर मेल नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन्हें याद कर लेना चाहिए जम्मू कश्मीर का गठबंधन ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले, जहां महबूबा मुफ्ती के साथ किस तरह का इनका तेल और पानी का संबंध था, कौन सी ऐसी वैचारिक भावना साथ में थी, कौन सा ऐसा मतभेद था जो इनके बीच में नहीं था, और फिर भी सत्ता की लालच में इन्होंने वहां पे सरकार बनाई। अजीत पवार जी के पीछे पड़े थे, भ्रष्टाचार के आरोप, जेल भिजवा के रहेंगे, लेकिन साथ में मिल गए तो सारे आरोप खत्म हो गए।